लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ जा रहे हो? अप्पा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम मेरे कैबिन में अकेले नहीं आ सकते। ओके, तो मैं अकेले कहूँ? मेरे साथ मेरे जज्बात हैं। लेट्स गो। क्या हुआ? फट गई। क्या? पराग, तुम भी ना, अप्पा आ जाएंगे। चलो, तुम शो के कॉस्ट्यूम्स अंदर हैं, वो पहनो। पराग, कौन पराग? पराग, वो तो यहाँ नहीं आया। मेरे को मालूम, सिक्योरिटी वाला मेरे को बोला उसको छोड़ेगा नहीं। पराग, अप्पा बिलीव मी, आई एम योर ओन ब्लड। इसीलिए तो बिलीव नहीं होता, वो रास्कल इधर भी होगा, जिधर जिधर भी होगा, हम उसको ढूंढेगा और उसका सांभर बनाएगा। என்ன ராசுக்கள்? ஹலோ, எஸ் மேர்லோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி? நோ, ஐ டோன்ட் நீட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ், தேங்க் யூ. போலும் मेरा भी जॉब कंफर्म हो जाता ना, तो लाइफ इज सेट। अच्छा सुनो, पटाया में जाकर लड़कियां वर्कियां को पटाने बटाने में मत लग जाना। अर्पिता, यू नो मी, आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन। बुरे कर्म और मैं नेवर। अच्छे कर्म करूंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा, बुरे कर्म करूंगा तो नरक जाऊंगा। नरक? अर्पिता बेबी, आई वाज जस्ट जोकिंग, चीयर अप। लिसन, आई हैव टू गो राइट नाउ। ओके, पटाया में रहोगे कहां? परीक्षिता ने मेरा कजिन फ्लाइट ली, पटाया सीधा उसके बंगलो पर। मिस्टर सिंह, नो, अरे नौकरी गई तो गई, आई डोंट इवन केयर। ये आरती मैम, आपने आपको समझती क्या है? अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? मिस्टर सिंह, आई विल कॉल यू बैक। परीक्षित बेटा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख और इस काम में बेटे मिले। भावे, कहाँ था तू भावेश, कहाँ था तू? आई वाज रियली मिसिंग यू यार। क्यों? क्यों मतलब, एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिस नहीं कर सकता है क्या? आई मीन, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स यार, दे आर लाइक ब्रदर्स, यू डोंट बिलीव इन ब्रदरहुड। क्या बकवास कर रहा है तू, ठीक है ना? एक्चुअली आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट अस। अस? अस मतलब हम तीन दोस्त यार, हम तीन दोस्त, हम लोग में से यू नो, अगर किसी को कभी भी, खुदा ना खास्ता, कुछ भी हो जाए, कोई भी करामत आ जाए, अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल, चल तेरी तेरी नौकरी चली जाए। इसे कैसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई? तू बेरोजगार हो जाए, खर्चे पानी का लफड़ा हो जाए, खाने के वांदे हो, तू नंगा घूम रहा हो, कौन करेगा तुझे सपोर्ट? कौन? कौन? मैं हूं ना, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा ब्रदर, ब्रदरहुड, सच। नेचुरली यार, अभी देखना, छोड़ना। अब मान ले मेरी नौकरी चली गई। ए, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। मान ले यार। अरे चल ठीक, अगर मैं बेरोजगार हो गया तो तू मेरी सपोर्ट करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स यार, पूछने वाली बात है, दोस्त हूँ यार। बस मन हल्का हो गया। हाँ यार, मेरा भी।
तुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी। मेरी नौकरी चली गई। मेरी भी। क्या? यार कितना मिस कर रहा था तुम लोगों को मैं यार। Actually, I was just thinking about us, you know, us three friends. हम तीन दोस्त। We are like brothers, man, brothers. What? You guys don't believe in brotherhood? अगर अगर you know, हम तीनों में से किसी एक पर खुदा ना खास्ता God forbid, कोई कयामत आ जाए जैसे जैसे फर्ज करो कि तुम दोनों की नौकरी चली जाए चली गई हेलो 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 सवादी खाब सवादी खाब अच्छा आप यहीं जा रहे हैं ना हाँ आप बता सकते हैं इस घर का मालिक कौन है किसका इस घर का किसका अरे ये जो सामने घर है ना उस घर का मालिक कौन है किसका मैं जाऊं मुझे कहाँ जा रहे हो तुम अंदर अंदर कहाँ जा रहे हो घर में बस उसी घर की बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है किसका ओके ये क्या है एंट्रेंस उसके आगे क्या है पोर्च उसके आगे क्या है घर बस इसी घर की तो बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है किसका दिखाई नहीं दे रहा ये घर ये कौन है भाई क्या कर रहा है थैंक गॉड भाई साहब आप आ गए भेजा फ्राई करके रख दिया था इस आदमी ने एक छोटा सा सवाल पूछा था देखिए क्या हालत कर दी मेरी आप आगे आप ही बता दीजिए कि ये किसका घर है किसका घर हिंदी ठीक कीजिए भाई साहब किसका का नहीं होता है पूछिए किसका अरे मैं क्यों पूछूं किसका मैं बता रहा हूँ ना किसका का इस घर का इस घर का इस घर का बे क्या मालिक कौन है किसका जानता है तू तू आने के पहले फोन नहीं कर सकता था फोन नहीं कर सकता था इतनी बार फोन लगाया तेरा फोन लगता ही नहीं है अच्छा चल ठीक है अब तू आ ही गया तो मिलते रहना चीज मिलते रहना अरे मैं यही रहने आया हूँ तू कहाँ रहने आया तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं देख जयेश मेरे भाई वो किसका मिगलानी है ना इस घर का मालिक वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खड़ूस और सबसे बड़ा घटिया आदमी है वही प्रॉब्लम है अबे इतनी प्रॉब्लम है तो ये घर को छोड़ क्यों नहीं देते देख भाई चतुर सिंह चतुर्वेदी ये पटाया है पटाया यहाँ पे छोकरी मिलना आसान है घर और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है एडवांस रेंट और डिपॉजिट देने की हमारी हैसियत नहीं ये जो किसका मिगलानी है ना इसने ना डिपॉजिट लिया ना एडवांस रेंट लिया हमें ये घर दे दिया तो कुछ तो झेलना पड़ेगा ना भाई करेक्ट देखो मुझे जॉब के साथ फ्लैट भी मिलने वाला है अगर जॉब लग जाती है तो तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो और जो मैं बोली तो वही लड़की के सामने रिपीट करना समझा लेकिन मुझे Hi. Hello. Naam bol. I'm Bhavesh. Bhavesh. Hello, I'm Maria. बहुत खूबसूरत है. आप बहुत खूबसूरत हैं. क्यों? बाल जैसे लहराते संगीत के सुर. आपके बाल जैसे लहराते संगीत के सुर. आँख जैसे steaming hot black coffee. आपकी आँख जैसे steaming hot black coffee. होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपके होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेट क्या आपका रेट क्या ओ आई एम सॉरी जी तू दे रुक आई विल किल यू टुडे आई अबे क्या हुआ फोटो अच्छा तो फोड़ा था बाहर निकल ए वो कंट्री से बाहर रह रहे अच्छा है वो कंट्री से बाहर है ना वरना मैं आज उसको मार कर नरक में जाता था देखा मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है अगर वो किसका यहाँ होता ना तो ये तो उसकी अबे वो यहाँ
यहाँ क्या आएगा फट्टू है साला, हैं? करेक्ट। वो तो उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ घर के चक्कर में आके, वरना तो तोड़ दिया होता नारियल की तरह। इतने भी बुरे नहीं है हमारे किसका जी। बुरे क्या, छुरे घूमने को दिल करता है, कांट की टुकड़े नहीं। सही बोला तू, सही बोला तू, एकदम कमीना टाइप का इंसान है वो साला किसका। तो नाम नाम देखा उसका, किसका मिगलानी। माँ ने सवाल पैदा किया और छोड़ दिया दुनिया में। साले को हमसे फोन पे बात करनी होती है तो हमको मिस कॉल देता है ताकि हम उसे वापस फोन लगाएं और उसकी बकवास सुनने के पैसे भी हम करे। नहीं बोल रहे हो तुम लोग यार, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस। तेरे को क्यों लूज मोशन हो रहा है, अभी तो कितना फैल रहा था। हाँ, काट दूंगा, मार दूंगा, मार के नरक चला जाऊंगा, वाट लगा दूंगा। व्हाट? अरे व्हाट नहीं रे, व्हाट व्हाट। बस कर यार भावेश, तू बस कर। अबे बस नहीं, हंस हंस, थोड़ा देख के हंस। अरे पोस्ट मार दे ये। और बोला बोला और बोला बोला। उल्लू के बच्चे, गधे के बच्चे हम लोग हैं यार। हम लोग क्या बच्चे हम लोग किसका जी को पहचान नहीं पाए। किसका जी? अबे वो भिखारी के नाम के आगे जी लगा के इज्जत की बेइज्जती क्यों कर रहा है? तेरे को बोलता हूँ पराग, एक बार अपने रहने का परमानेंट ठिकाना हो गया ना, किसका के माखी। दुआई लूंगा, परीक्षु के आशीर्वाद लूंगा। अरे ये इतना महान सवाल पैदा करने वाली माँ कोई मामूली माँ होगी? कब कब आए किसका जी, बताया भी नहीं, एक मिस कॉल ही दे देते। माँ क्या पूछते, गिटार साला। तुम लोगों को कितनी बार बोला है इतना मत पियो मत पियो, लेकिन नहीं, वन फॉर द रोड, वन ऑन द रोड, वन ब्लडी अंडर द रोड। ये आ गए ना रोड पे हम लोग, पहले तो सिर्फ नौकरी गई थी, अब साला घर भी गया। अबे तो हम लोग क्या बोल रहा है, इसको बोलना इसकी वजह से हुआ है सब कुछ, इसके आने की खुशी मना रहे थे ना हम लोग। अबे मैं क्या 14 साल के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ तेरे घर पे जो मेरे आने की खुशी मना रहा था? मेरे को क्या सपना आता है किसका की फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी और वापस आ जाएगा? बात करता है, सवाल ये है कि हम लोग रहेंगे कहाँ? अच्छा अच्छा, अब डोंट स्ट्रेस आउट यार, रहने दो, दो दिन में जयेश की नौकरी लग जाएगी और हम लोगों का घर भी हो जाएगा, है ना? हाँ यार। दो दिन के बाद तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद नौकरी और नौकरी के बाद फ्लैट, मतलब कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे। अबे क्या बात कर रहा है यार। देखो देखो, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग सब मिलके कंट्रीब्यूट करके डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं ताकि हम छोटा सा रूम रेंट पे ले सकें। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये ले। ये मेरा। ओए ये तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ बताओ जी क्या बात है? बलू जी हमें आपका कमरा किराए पर चाहिए। हम अपना पर्सनल कमरा क्यों किराए पर देते भाई? हम तो वही कमरा देंगे जो किराए के लिए रखा हुआ है। हम वही कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। अरे तो आम बोलो ना। आम? पर संतरे के सीजन में आम क्यों बोले? अरे आम मतलब ऐसा बोलो। देखिए भाई साहब, हमने पहले से ही सोच के रखा है कि वो कमरा हम लोग सिर्फ मैंगो मैन को ही देंगे। मैंगो मैन? ओए आम आदमी। एक ही बात है ना, इनको नहीं पता ना। चलिए अब भाई साहब, जल्दी हमें अपना इन्फेक्शन दे दीजिए। इन्फेक्शन? ओए इंट्रोडक्शन है। एक ही बात है, इनको नहीं पता ना। मैं हूँ परीक्षित पांडे और ये है मेरा भाई जयेश ठाकुर। अच्छा बताइए आपको हमारा घर कैसा लगा? It's beautiful and fantastic, very well maintained. पूरा घर एसी है। Wow. पूरा घर एसी। सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी। एसी क्या होते हैं? एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं, एसी का मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। बल्लू जी, हाँ जी, अब जरा अपनी शर्तें बता दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहली शर्त यह है घर का किराया होगा 20,000 बात।
और आप हमको कोई डिपॉजिट एडवांस देने की कोशिश नहीं करेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। और शर्त नंबर दो, ठीक है, इस घर में दारू पीना, सिगरेट पीना, लेट आना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये औरतों वाला घर है। औरतें मतलब? ओ यार मेरी साली स्वीटी की छोटी बहन, वो हमारे साथ रहती है, अभी शहर से बाहर गई हुई है। मंजूर है? आपकी साली है, आप रखे ना रखे, हम ना मंजूर करने वाले कौन होते हैं? ओए शर्त मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। बल्लू जी शर्त नंबर तीन बोलिए। शर्त नंबर तीन, आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं हमारी शादी नहीं हुई। क्या देखिए भाई साहब, हम हमारा कमरा सिर्फ कपल को ही देंगे। और टाइम वेस्ट कर देता, मैं इस घर में एक बल और नहीं रुक सकता। और चलो चल चल। बल्लू जी क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा घर है। ओए ओ क्या कब्जा कर रही हो? चल बाहर चल। बल्लू जी चल। हमारी शादी हुई है? 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 एक मिनट एक मिनट, अभी अभी जयेश भाई ने बोला कि नहीं नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। यही तो आपने गलत सुना, गलत सुना आपने। इसने कहा हमारी नई नई शादी हुई है। नई नई है ना जयेश? नई नई शादी हुई है, हमको लगाओ नहीं नहीं शादी नहीं हुई है। बालू जी मैं समझ गई, इनकी न्यू न्यू वेल्डिंग हुई है। वेल्डिंग? वेल्डिंग जी वेल्डिंग। एक ही बात है ना, इनको नहीं ना पता। तो कल हम शिफ्ट हो जाते हैं दोनों कपल्स यहाँ का ना? हाँ जी पक्का। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे। टेक केयर स्वीटी जी। आई विल टेक इट। ओके टेक केयर बालू जी। ही विल आल्सो टेक इट एंड यू आल्सो टेक इट।